Assalamu alaikum 7th class, hope you will be fine. Students here's your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, uh, we were reading about unit uh, number 8, the lumbar room, and we have completed our reading about page number 98 half. Now today we will start our reading from here. Less promising in appearance was a large square book with plain black covers. Nicholas o peeped into it and behold. निकोलस जब लंबर रूम में गया तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें देखी अब उसकी नज़र एक ब्लैक कवर वाले बुक पे पड़ी जो कि स्क्वेयर शेप में थी उसने झाँकना शुरू किया कि बुक में क्या है और फिर उसने, उसने उसे हाथ में पकड़ लिया इट वॉज़ फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स ये जो बुक थी खूबसूरत रीन परिंदों की तस्वीर से भरी हुई थी एंड सच बर्ड्स इन दार्डनर गार्डन एंड इन दी प्लेन्स वेन यू वेंट फॉर अ वाक और ऐसे परिंदे में भी उसने देखे हूँ बागात में या कभी कभार अगर वो वाक के लिए जाए सुबह की सैर के लिए जाए तो गलियों में निकोलस केम ए क्रॉस अ फ्यू अ फ्यू बर्ड्स आफ विच द लार्जेस्ट वर्ल्ड एंड अ कैनल मैकपाई आर वुड पिजन आ, निकोलस कह रहा है कि उसके ख्याल में उसने उनमें से कुछ परिंदों को देख रखा है फॉर एग्जांपल जैसे उसने बताया जी ओकेजनल मैग पाए ये भी परिंदों की काइंड है जिसके बारे में वो बता रहा है जी नेक्स्ट आगे वो कह रहे हैं और वुड पिजन या पिजन्स हेयर वेर ऑन्स होता है जी आ, ये भी हमारे पास बर्ड की शेप वो बता रहे हैं जी बर्ड हैं परिंदे हैं जी जैसे वेजिंग बर्ड मीन बगला हो गया इस तरह का हो गया एंड बस्टर्ड और बस्टर्ड भी अ टाइप ऑफ बर्ड एंड काइट्स है जी चील की तरह के बर्ड होते हैं टुकेन है जी टुकेन इबिसिस गोल्डन फिजेंट इसमें वो कह रहे हैं जी टुकेन आप कह सकते हैं वस्ती और जनूबी अमेरिका में जो फल और हो परिंदे होते हैं वो हैं जी एबिस है जी ये इस हतूत का जो लंबी टांगों वाला परिंदा है ये है गोल्डन फिजेंट भी अ होल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ अनड्रीमड ऑफ क्रिएचर्स वो कह रहे कि वो ऐसे पता चल रहा था जैसे प्रिंदु की एक ख़ूबसूरत उसको मतलब कि एक ऐसी गैलरी मिल गई एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे परिंदों की वो उसको तस्वीर मिल रही है या वो क्रिएटर है जिसके बारे में उसने कभी सोचा ना हो एंड एस यू वॉज एडवाइनिंग दी ऑफ दी मैन डैरिन ड और जब वो डक के बारे में बता रहे हैं जिसके डिफरेंट कलर्स की जो डक होती हैं वो कह रहे हैं कि जब वो उस डक के बारे में तारीफ डक की तारीफ कर रहे हैं एंड ऐसा लाइफ हिस्ट्री टू इट या उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ जज कर रहा था द वॉइस ऑफ हिस आंट शाउटिंग हिज नेम केम फ्राम द गसपेरी गार्डन आउटसाइड उसका नाम पुकारते हुए उसे अपनी आंट की आवाज़ सुनाई थी जो कि उस गूसपेरी गार्डन में से आ रही थी शी शीहद ग्रोन सस्पेशियन एट हीज़ लॉन्ग डिसअपेयरेंस उसे uh, शायद ज़्यादा देर तक उसके गायब रहने पर शक हो गया था एंड हैड लिफ्ट टू दी कंक्लूजन डैट हैड क्लाइंब और दीवार और वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि शायद वो दीवार को फैला के घूसपेरी गार्डन में चला गया है एंड शी वॉज नाउ इंगेज इन एनर्जेटिक एंड रैदर हो प्लस सर्च फॉर हिम एमंग दी आर टी एंड रेस्पेरी कैर और वो, वो कह रहे हैं कि शायद वो अपनी uh, पूरी ताकत लगा चुकी थी उसको uh, और अब बिल्कुल हेपलेस होगी थी बेयारों मददगार हो गई थी उसको फाइंड आउट करने में शायद वो उसे आर चौक रेस्पेरी कैस में ढूंढने में नाकाम हो चुकी थी अच्छा जी नेक्स्ट आइए वो कह रहे थी निकोलस निकोलस शी स्क्रीम उसने चलाना शुरू कर दिया निकोलस निकोलस यू आर टू कम आउट दिस एट वंस इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू हाइड देयर आई कैन सी यू एट ऑल द टाइम वो उससे कह रही है कि तुम बाहर चले आओ अब तुम्हारे लिए छुपने की कोई जगह नहीं है या तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हें देख सकती हूँ इट वॉज प्राबली द फर्स्ट टाइम फॉर ट्वेंटी ईयर्स एट एनी वन हैट स्माइल्ड इन दैट नंबर रूम वो कह रहे कि शायद बीस सालों में ये पहली बार हुआ होगा कि कोई नंबर रूम में भी के खुबाड़ वाले कमरे में भी मुस्कुराया हो प्रेजेंटली दी रेपटेशन ऑफ निकोलिस नेम गेव वे टू आर श्रीक एंड द्राई फॉर समी टू कैम क्विकली वहरा कि हालिया तौर तो पर उसके नाम की जो पुकार पड़ रही थी वो एकदम से एक चीख में बदल गई एंड द कराई और एक चीख नुमा आवाज़ आई किसी को बुलाए जाने की कि वो जल्दी से आए निकोलस शट दी बुक उसने उस किताब को बंद किया रिस्टोर्ड इट केयरफुली टू इट प्लेस उसने उसे दोबारा अपनी जगह पर महफूज रख दिया इन अ कॉर्नर ए कॉर्नर में एंड शुक सम फ्राम अ नेबरिंग पायल ऑफ़ न्यूज़ पेपर इट और उसके पास ही पड़ा हुआ जो अखबारा का ढेर था वहाँ से उसने डस्ट को हटाया देन ही क्रैप्ट फ्राम द रूम तब वो रिंगता हुआ रूम से बाहर निकला लॉक की डोर एंड रिप्लेस द की एक्जैक्टली वेट ही हैड इट उसने दरवाजे को लॉक किया बंद ताला लगा दिया और दोबारा से उसने चाबी को वहीं पर रख दिया जहाँ से उसे मिली थी स्टिल कॉलिंग हिज नेम बन ही स्वंटर्ड इनटू द फ्रंट गार्डन उसकी आंट अभी तक उसका नाम पुकार रही थी जब वो बिल्कुल आरामदेह अंदाज में चलते हुए गार्डन में या बाग में दाखिल हुआ हुस का ही आगस कौन पुकार रहा है उसने पूछा मी केम एम द आंसर फ्राम द अदर साइड ऑफ दि वाल मैं दीवार की दूसरी तरफ से आवाज़ आई रिटर्न जो हियर में क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे आई एव बिन लुकिंग फॉर यू इन द घूसपेरी गार्डन मैं तुम्हें घोसपेरी गार्डन में ढूंढ रही थी एंड आई हैव स्लिप्ड इन टू वाटर रेन वाटर टैंक और मैं पानी वाले टैंक में आ, स्लिप होकर गिर गई हूँ नकली देर नो वाटर इन इट खुशकस्मती से यहाँ पे कोई भी पानी नहीं है बट द साइड्स आर स्लिपरी एंड आई कॉन्ट गेट आउट लेकिन इसकी जो साइड्स uh, हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं और मैं खुद से बाहर नहीं आ सकती फैस द लेटर लेटर फ्राम आर्डर दी चाइल्ड ट्री तुम चाइल्ड ट्री के पास जाओ उसके नीचे छोटी सीढ़ी पड़ी है लेटर उसको लेकर आओ आई वॉज टोल्ड आई वजन गोइंग टू द दूसपेरी गार्डन सेट निकोलस पम्पली अब निकोलस जल्दी से कह रहा है कि आपने कहा था uh, मुझे तो बताया गया था कि मैं घूसपेरी गार्डन में नहीं जा सकता उसने जल्दी से बोला अब आंटू से कह रही है कि आई टोल जो ना टू मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नहीं जा सकते एंड ना आई टेल यू डैट यू मे और अब मैं ही तुम्हें, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम जाओ के एम दी वाइस फ्राम दी रेन वाटर टैंक रेन वाटर टैंक में से आवाज़ आई आईदर uh, इम्पेश अब पहले से ज़्यादा बेसब्री के साथ यू वॉइस ड्रेजेंट साउंड लाइक आंट्स ऑब्जेक्टिव निकोलस निकोलस ने इतराज करते हुए बोला कि आपकी आवाज़ है जो मुझे अपनी आंटी की आवाज़ जैसी नहीं लग रही यू मे बी दीवल वन टेम्पटिंग मी टू बी डिस ओबीडियन आप शायद कोई बुरी रूह है कोई ईवल रूह है जो मुझे उकसा रही है कि मैं गैरताबैदारी का मुशाह करूँ और घूस मेरी गार्डन में घुस जाऊँ आंट ऑफन टेल्स मी द वन टेम्स मी एंड डेट आई ऑलवेज झील वो कहता है कि मुझे हमेशा मेरी आंट जी कहती हैं कि तुम पे किसी बुरी रूह का कब्जा है और तुम तो उसी को फॉलो करते हो दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू झील इस टाइम मैं आपकी बात को मानने के लिए राजी नहीं हूँ डोंट टॉक नॉन सेंस बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो या अहमकाना बातें मत करो सेट द दिनर इन द टैंक जो जो में था, गो उसने बोला कि तुम जाओ और जल्दी से लेटर लेकर आओ विल देर बी स्ट्रॉबेरी जेम फॉर्टी क्या हमें चाय के साथ स्ट्रॉबेरी जेम मिलेगा आक्स निकोलस इनोसेंटनी निकोलस ने मासमाना अंदाज में पूछा सर्टेन देर विल बीट दी आठ यकीनी तौर पर ऐसा ही होगा आठ ने कहा प्राइवेटली रिजॉल्विंग डैट निकोलस शुड हैव नॉन ऑफ इट उसने खुद से इस बात का डिस डिसाइड किया या फैसला किया कि निकोलस को नहीं दिया जाएगा नाउ आई नाउ आई ना डैट जो आर द इल वन एंड नॉट ऑन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आप एक बदरू हैं और मेरी आंट ने है शाउटेड निकोलस ग्लेफुली uh, उसने जॉयफुली या खुशी से चिल्लाते हुए कहा Uh, when he uh, when वी आर्स ऑन फॉर स्ट्राबेरी जेम येस्टरडे शी सेट देर वॉज एनी वो कह रहे हैं कि अब वो उस सिचुएशन को इन्जॉय करने लग गया कि वो अपनी आंट से इस तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि आंट हमेशा बच्चों की बात नहीं सुनती ना ही वो बच्चों की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं तो अब जब उससे मौका मिला है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है और, और वो भी आंठ को अब तंग कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि लाइक आप इवल स्पिरट हैं क्योंकि जब हमने आंट से येस्टरडे पूछा तो आंट ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रॉबेरी जेम खत्म हो चुके हैं आई नो देर आर फोर जॉर्स ऑफ इट इन दिस स्टोर कबर्ड वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि स्टोर की जो कबर्ड है उसमें स्ट्रॉबेरी um, जैम के फोर uh, चार जार्स पड़े हुए हैं बिकॉज आई लुक क्योंकि मैंने देखा है एंड ऑफ कोर्स यू नाउ इट्स देयर और तुम भी uh, जानते हो या जानती हो कि यकीनी um, तौर पर वो वहाँ है बट शी डेंट लेकिन मेरी आंट नहीं जानती बिकॉज शी सेट देर वजन एनी क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि आप जैम खत्म हो चुका है ओ डावल यू हैव सोल्ड यूर सेल्फ़ अब वो कह रहे है कि वो शैतान तुम खुद को बेच चुके हो मीन के तुम मुझे आ, बुरे कामों की तरफ उकसा रहे हो देर वॉज एन अनयूजअल सेंस ऑफ लग्जरी इन बींग एबल टू टॉक टू एन आंट एज दो वन वर टॉकिंग टू द ईवल वन वो कह रहा है कि ये उसके लिए गैर मामूली खुशी वाली बात है कि वो अपनी आंट से इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि किसी इवज uh, स्पीड से बात कर रहा हूँ उसने अपनी आंट को इवज स्पीड समझा हुआ है और मतलब कि उसे पता है वो है उसकी आंट लेकिन वो जस्ट उसको uh, बदला ले रहा है या अपनी भी uh, जो हिस होती है उसकी तस्कीन कर रहा है कि वो उसकी बात नहीं मानती तो अब वो उन्हें तंग कर रहा है बट निकोलस नहीं लेकिन निकोलस जानता था विद चाइल्ड इस दैट सच लग्जरीअस व नॉट टू बी ओवर इन्डोल्स इन मिन के निकोलस को इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये उसकी बचकाना खुशी है जो कि वो ज़ाहिर तौर पर देख सकता है कि ऐसी खुशियाँ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती ही वर्क नॉर्जिली अब वो आ, शोर करता है वहाँ से चला जाता है एंड इट वॉज द किचन मेड इन सर्च ऑफ पार्सले पार्सले होता है आ, मतलब कि कुकिंग के हवाले से जो चीज़ हंडियाँ वगैरह में डालने के लिए मे इसको पार्सले uh, शायद uh, पुदीना या धनिया वगैरह की सर्च में आई होती है तो एक्चुअली रेस्क्यू द आंट फ्रॉम द रेन वाटर टैंक वो एक्चुअली uh, वो ही आंट को उस रेन वाटर टैंक से आज़ाद करवाती है टी डेट इवनिंग वॉच फॉर टेकिन ऑफ इना फिर सम साइलेंस uh, उस uh, शाम जो चाय थी वो बहुत खामोशी में पी गई दी टाइट हैड बीन एज इट्स हाइड वैन द चिल्ड्रन हैड राइट एट जैगबरो को अब वो जैकबर सेंट्स का जो उनका इवेंट था उसके बारे में वो बता रहे हैं कि जब बच्चे जैगबरो सेंट पर पहुँचे तो वहाँ पर जो पानी का अवतार छुड़ा था वो अपने जोबन पर था सो देर हैड बीन नो सेंट टू प्ले ऑन वो वहाँ पर पानी का उतार चढ़ाव अगर नॉर्मल हो तो वहाँ पे सैंड होती है जिस वह बच्चे खेल सकते हैं लेकिन अगर पानी का उतार चढ़ाव अपने जौबन पर हो तो वहाँ पे रेत का खुश हिस्सा नहीं होता जिस वह बच्चे खेल सकें तो ऐसा ही उस दिन हुआ था कि वहाँ पे पानी का उतार चढ़ाव अपने जौबन पर था और बच्चों के खेलने के लिए कोई भी रेत नहीं थी या सरकम स्टांसिस डायट है दियंट हैत और लुक इन द हेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हर प्यूनिटिव एक्सपीडेशन कि ये एक ऐसा क्योंकि आर्ट ने बहुत जल्द आ, बहुत जल्दी वाले हालात में ये उसकी जो पनिशमेंट वाली एक्सपेक्टेशन थी उसको उन्होंने ईजाद किया था बहुत जल्दी में जिसकी वजह से वो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाई या जैकबोरो सैंड पे जो वहाँ का वेदर था उसको भी वो जज नहीं कर पाई द टाइटनेस ऑफ वोबिस बूट हैड हैड डिजॉस्टर इफेक्ट ऑन हिस टेम्पर द होल ऑफ़ द आफ्टरनून तमाम आफ्टरनून या तमाम सपहर बोबी के जो बूट थे वो बहुत सख्त उसको तंग कर रहे थे तो उसकी वजह से उसकी जो नर्वस हैं उस पर भी उन्होंने या उसके बिहेवियर पर उन्होंने काफ़ी बुरा असर छोड़ा जिसकी वजह से वो इंजॉय नहीं कर सका एंड ऑल टुगेदर द चिल्ड्रन कुड नॉट हैव बीन सेड टू हैव इंजॉयड दैम सेल्फ और बच्चों ने भी ये क्लेम किया कि वो अच्छे तरीके से इस पार्टी को इन्जॉय या इस सैर को इन्जॉय नहीं कर सके दी आंट मेनटेन द फ्रोजन म्यूटनेस ऑफ वन हु हैज़ सपोर्ट अन डिग्निफाइड एंड अनमेरिटेड डिटेंशन इन आ रेन वाटर टैंक ऑफ फॉर थर्टी फाइव मिनट्स और जो आंट हैं वो अभी तक उसी सिचुएशन में थी जो उन्होंने थर्टी फाइव मिनट्स रेन वाटर टैंक में गुजारे मतलब कि उनके नज़दीक वो इंसान कैसा फील कर सकता है वो उसी मेंटेनेंस में थी वो उसी सिचुएशन में मौजूद थी जो उनके लिए बहुत ही गैर आनी थी या उनके लिए बेइज्जती का सबब थी कि वो थर्टी फाइव मिनट हरासत के तौर पर रेन वाटर टैंक में उन्होंने गुजारे एज़ फॉर निकोलस ही टू वाज साइलेंट निकोलस भी बिल्कुल खामोश था इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वन वो हैज मच ऑफ थिंक अबाउट और वह एक सोच में गहरा गुम हुआ हुआ था या वो बिल्कुल भी बाहर वाले माहौल के साथ उसका जो मेंटल था वो मैच नहीं कर रहा था इट वॉज़ जस्ट पॉसिबल वो मुमकिन तौर पर उसी टेपस्ट्री फ्रेम के बारे में सोच रहा था इट वॉज जस्ट पॉसिबल कि आज मुमकिन था ही कंसिडर्ड उसने तस्लीम किया डायर था हॉन्ट्समैन वोड स्केप विथ ही साउंडस कि क्या, आ, जो शिकारी था वो अपने शिकारी कुत्तों समेत क्या उन भेड़ियों से बच पाया था वाइल्ड द वुल्व्स फास्टेंड ऑन द दाइकन स्टेक या फिर जो वुल्व्स थे भेड़िए थे उन्होंने उस शिकार की हुए स्ट्रैक को बारा सिंगा को खा लिया था तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रीडिंग यूनिट नंबर एट नंबर रूम की जो कि कम्प्लीट होगी है आप इसको आ, दो या तीन बार दोबारा सुनेंगे ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें ओके स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़